लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं और ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है। लाहौर से शकील सईद की रिपोर्ट देखते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी, लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से काजी मिसबा एडवोकेट पेश हुए। दौरान समाअत साबिक वजीर आजम के वकील ने कहा कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं और ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नैब की जानिब से 2021 में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में 1986 में उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर इस्तेसा पॉलिसी और कानून के खिलाफ मीर शकील को माली फायदा दिया। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर।